एक बार फिर धर्मेंद्र सुर्खियों में आ गए। धर्मेंद्र पाजी ने 88 की उम्र में कांड कर दिया। 88 की उम्र में लोग रेस्ट कर रहे हैं तो धर्मेंद्र पाजी न केवल हाथ पैर चला रहे हैं बल्कि इस उम्र में वो ऐसे ऐसे सीन दे रहे हैं कि आजकल के एक्टर भी फेल हो चुके हैं। धर्मेंद्र ने हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में लिपकिस करके पहले ही सबके होश उड़ा दी थे कि अब वो हार्ट फेल करने आ रहे हैं। जी हाँ, अब खबरें आ रही है कि अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म में धर्मेंद्र खुल्लम खुल्ला रोमांस करेंगे और कुछ ऐसा सीन करने जा रहे हैं जो फैंस की फूंक निकाल देगा। धर्मेंद्र पाजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा खुद उनके बेटे सनी देओल ने कहा था। जब सनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र जी ने 88 की उम्र में किसिंग सीन दिया, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके जैसा एक्टर ना है और ना रहेगा। भले ही धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर परिवार ने कुछ ना कहा हो, लेकिन हेमा मालिनी ने जब ये सीन देखा होगा तो आग बबूला जरूर हुई होगी। आखिर क्या इन्हीं सब सीन की वजह से धर्मेंद्र अभी तक कैमरे के सामने बने हुए? क्या इन सीन के अलावा धर्मेंद्र अगर कोई और सीन करेंगे तो हिट नहीं होंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे? धर्मेंद्र आखिर इस उम्र में क्या करने को है? उम्र का ख्याल तो छोड़िए, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का ख्याल भी नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि धर्मेंद्र फिर से किसिंग सीन करने वाले हैं। क्या इन्हीं सीन की वजह से धर्मेंद्र इस उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं? क्या इन सीन के अलावा कोई और सीन करने पर धर्मेंद्र को फैंस का प्यार नहीं मिलेगा, फिल्म हिट नहीं जाएगी? सुनने में तो ये भी आया धर्मेंद्र के इन्हीं सीन की वजह से हेमा मालिनी उनके संग अब नहीं रहती हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र को मना भी नहीं कर सकती हैं और उनसे निराश होकर उनसे दूर रहने लगी हैं। प्रकाश कौर को अब आदत हो चुकी है। प्रकाश कौर अब अगर धर्मेंद्र को तीसरी औरत के पास भी देखती हैं तो भी वो कुछ नहीं बोलती हैं। धर्मेंद्र शवाना ही नहीं बल्कि कई एक्ट्रेस के साथ बेहद क्लोज सीन कर चुके हैं, लेकिन प्रकाश कौर पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार धर्मेंद्र कोई बड़ा सीन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आने वाली नई फिल्म में धर्मेंद्र बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जिसकी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को भी उम्मीद नहीं होगी। अब भले ही धर्मेंद्र की किसिंग सीन से प्रकाश कौर को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हेमा मालिनी से बर्दाश्त नहीं होता जब धर्मेंद्र ऐसे वैसे सीन करते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र शवाना के संग किसिंग सीन करके हेमा के दिल को गहरी चोट दे चुके हैं। हेमा मालिनी गुस्से में धर्मेंद्र की ये फिल्म देखने तक नहीं पहुंची थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने धर्मेंद्र की इस फिल्म को साफ साफ नजरअंदाज कर दिया। ऐसा जवाब दिया जैसे वो कुछ जानती ही नहीं थी। हेमा ने कहा कि मुझे तो अभी तक धर्मेंद्र जी के उस सीन के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ, और अगर धर्मेंद्र ने ऐसा कोई सीन किया है तो अच्छी बात है, उनका शौक है कि हमेशा से कैमरे के सामने बने रहे। अब उस वक्त हेमा के मुंह से धर्मेंद्र की झूठी तारीफ जरूर निकल रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी और निराश थी हेमा। उस सीन के बाद हेमा मालिनी ने काफी दिन तक धर्मेंद्र से बात तक नहीं की, वो लगातार संसद के कामों में बिजी रही, धर्मेंद्र को बधाई तक नहीं दी, ना ही धर्मेंद्र हेमा से मिलने उनके घर पर आए। हालांकि अब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से धर्मेंद्र ऐसा ही माहौल बना रहे हैं। अब अगली फिल्म में भी धर्मेंद्र कुछ ऐसा ही सीन करने जा रहे हैं और फिर से वो हेमा का आतंक रूप देखेंगे। 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 का गदर तो पूरे देश ने देखा। सनी देओल के गदर 2 ने बॉलीवुड के दिग्गज और नामी ग्रामी स्टार्स को धूल चटा दी, जो कि हर साल फिल्म बनाकर भी इतना नाम और लाइमलाइट नहीं कमा पाते, वो सनी देओल ने एक झटके में सालों बाद कमा लिया। सलमान शाहरुख से लेकर रणवीर अमिताभ तक को गदर 2 से बड़ा झटका लगा। गदर 2 के बाद से सबकी वैल्यू कम होने लगी तो सब सतर्क भी हो गए। सनी देओल को पछाड़ने के लिए अब सब एक साथ जुट गए। मामाली के सौतेले बेटे को टक्कर देने की तैयारी कर ली गई है और अब शाहरुख और अमिताभ ने गदर 2 की तरह अपनी किसी एक ऐसी फिल्म का दूसरा वर्जन लाने की तैयारी कर ली है, जिससे फिर से देश भर में शोर होने लगेगा। जो लोग सनी सनी कर रहे थे वो अब शाहरुख और अमिताभ का नाम पुकारने लगेंगे। शाहरुख अमिताभ की फिल्मों की बात करें तो 23 साल पहले शाहरुख और अमिताभ एक साथ मोहब्बतें में नजर आए थे। ये फिल्म हिट नहीं सुपर हिट गई थी और फिर से ऐसी फिल्म लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शाहरुख ने अभी तक फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन जो फोटो सामने आई है उसमें दोनों शूटिंग पर दौड़ लगाते दिखाई दिए। तो क्या इनके फिल्म सनी की गदर 2 को पछाड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 88 साल के धर्मेंद्र के पास आज सब कुछ है। इस वक्त वो अपने ओल्ड एज को एंजॉय कर रहे हैं और इस उम्र में उन्हें एक ही बात का दुख है कि उनके लिए किसी के पास 2 मिनट का वक्त भी नहीं है। जब धर्मेंद्र ये बात अकेले में सोचते हैं तो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचाई से जाकर नीचे गिर गए। हालांकि धर्मेंद्र खुद में बहुत बिजी रहते हैं और खुद को अकेला फील नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा वक्त वो अपने फार्म हाउस में लगाते हैं। खेत की ताजी सब्जी फलों की देखभाल करते हैं, कुछ फसलों को सुखाकर धोकर
सकते हैं। इस वक्त धर्मेंद्र के एक वीडियो सामने आया जिसमें धर्मेंद्र अपने खेत की सब्जी को तोड़ कर लाए हैं और फिर उसे बनवा कर चाव से खाते नजर आ रहे हैं। टेबल पर पूरी थाली खाने से सजी है, लेकिन अफसोस कोई दूसरा इंसान धर्मेंद्र के पास बैठ कर खाना खाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो वीडियो में स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। अपने खेत की सब्जी की पूरी डिटेल बताते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, धर्मेंद्र इस उम्र में अपनी दोनों पत्नियों से अलग फार्म हाउस में रहते हैं, जबकि प्रकाश सनी बॉबी के संग रहती हैं और हेमा मालिनी संसद के कामों में बिजी रहती हैं, इधर उधर यात्रा करती रहती हैं। अक्सर बॉलीवुड गलियारों में हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते की चर्चा होती आई है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इन सौतेले माँ बेटे में एक दूसरे से कैसा रिश्ता है। कभी इन दोनों को एक साथ तो देखा नहीं, तो रिश्ता कैसा हो सकता है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो गरजते नहीं वो बरसते हैं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हेमा मालिनी और सनी देओल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। उन दोनों ने आज तक अपने रिश्ते को खुलकर नहीं दिखाया, लेकिन जरूरत के वक्त पर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। असल में हेमा मालिनी के लिए सनी देओल क्या है, हेमा मालिनी ने आज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया। हेमा ने गदर 2 की सफलता पर कई बार सनी देओल की तारीफ की और आज फिर कहा कि सनी को बहुत लोग पसंद करते हैं, वो इंसान ही ऐसा है। हेमा ने कहा कि मैं सनी से कहती थी कि तुम अच्छा करो, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, वो कहता था कि मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। हेमा ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि वो बहुत प्यारे हैं, उनके लिए बहुत तारीफें मिली, बहुत अच्छा किया, हर एक सीन पर उन्होंने हर किसी का दिल जीता। हेमा मालिनी ने 45 साल बाद सौतेले बेटे सनी देओल की तारीफ की। गदर 2 देखने के बाद हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे के लिए फूले नहीं समा रही थी, इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दी। और अब ताज्जुब की बात यह है कि दोनों एक साथ विदेश भी पहुंचे, वहां भी दोनों ने गदर मचा दिया। जहां हेमा मालिनी दुबई किसी काम से पहुंची, तो वहीं सनी देओल गदर 2 के किसी अवार्ड के लिए लंदन पहुंचे। लंदन की जनता ने सनी का भव्य स्वागत किया, भांगड़े पर खूब नाची लंदन की जनता। तो वहीं दुबई में माँ को देखकर लोगों ने घेर लिया और गदर 2 को लेकर कई सवाल किए, क्योंकि इस बार सनी देओल ने अपने गदर से देश विदेश में अच्छी पहचान बना ली है। विदेश की जनता तक गदर 2 के लिए क्रेजी होती दिखाई दी। अब हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली माँ है, तो दुबई में हेमा से गदर 2 और सनी के बारे में कई सवाल पूछे गए, जिसके बाद हेमा ने वहाँ भी सौतेले बेटे और गदर 2 की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी को आज एयरपोर्ट पर देखा गया और तीसरी बार यहाँ भी हेमा ने गदर 2 एक्टर सनी देओल पर खूब प्यार उठाया। इतना प्यार सौतेले माँ बेटे में पहली बार देखा जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेमा मालिनी अपने ससुराल में जाने के लिए, प्रकाश से मिलने के लिए पहला कदम पहले ही बढ़ा चुकी हैं। जी हाँ, गदर 2 वो इसलिए ही देखने गई थी ताकि सनी देओल के दिल में जगह बना पाए। लेकिन क्या सनी देओल हेमा को माँ का दर्जा दे पाएंगे? कहा तो जा रहा है कि इस राखी के त्योहार पर पहली बार ईशा आहाना सौतेले भाई सनी बॉबी को राखी बांधेंगी और उनके संग हेमा मालिनी भी अपने ससुराल देओल परिवार और प्रकाश के घर जाएंगी। क्या हेमा मालिनी का ससुराल में स्वागत होगा या फिर अपमान? तो प्रकाश ने कई बार कहा कि मैंने अपने बच्चों को गलत परवरिश नहीं दी है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। मतलब सनी बॉबी हेमा का अपमान नहीं बल्कि स्वागत करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सनी खुले दिल से हेमा को न केवल माँ का दर्जा देंगे बल्कि इंडस्ट्री में उनके संग काम भी करेंगे। हो सकता है कि सौतेले माँ बेटे कोई फिल्म में एक साथ दिखाई दे, उनकी मदद से वो बहुत आगे तक जा सकते हैं और वो मौका हेमा मालिनी जरूर देंगी। शायद इसलिए 45 साल बाद सौतेले माँ बेटे का मिलन हो रहा है। वैसे हेमा मालिनी बहुत पहले ही सनी देओल के संग दिखाई दी थी और अब उस लकी दिन का इंतजार किया जा रहा है जब सौतेली माँ का हाथ पकड़े दिखाई देंगे सनी देओल।